अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि है ये आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है। इसको हम एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने इसको वीक में 3 से 4 बार अगर यूज़ कर लिया तो आप लोगों के फेस पे आप लोगों को क्लियरली रिजल्ट्स जो हैं वो नजर आएंगे। तो आए चलते हैं हम जल्दी से आज की वीडियो की तरफ, ताकि आप लोग जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देखें और इसको बनाएं और इसको ट्राई करें। अच्छा जी, हमें ये स्क्रब बनाने के लिए 5 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़रूरत हैं, जिसमें से एक है जी फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी। ये आराम से मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपको ये मिल जाए तो ठीक, अगर पाउडर मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है, पर अगर ना मिले तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और फेन्यूग्रीक में होता क्या है, वाइटामिन सी, और वो हमारे डार्क स्पॉट्स के लिए, हमारी स्किन को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है दलिया ओटमील। अगर आपके पास ये वाला है ये भी चल सकता है, अगर आपके पास साबुत है वो भी चल जाता है। और दलिया क्या करता है, हमारी एक्नी को काफ़ी कम करता है, यानी कि जिनको बहुत एक्नी हो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जी, जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है, मैंने लिया है सैयद गनी का ज़ाफ़रानी उपटन। उपटन मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि उपटन में एक साथ बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, स्क्रब बहुत अच्छा है, आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। अच्छा जी, अब चौथी चीज़ जो है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या करेगी, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लाएगी। आजकल आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में भी बहुत से कॉफ़ी मास्क अवेलेबल हैं, तो हम क्यों ना घर पे ही बना लें एक ज़बरदस्त सा। अच्छा, और अब हमें लास्ट इंग्रेडिएंट चाहिए, वो हमें चाहिए राइस फ्लावर। राइस फ्लावर आप लोगों को पता है कोरियन ब्यूटी तो होती ही राइस फ्लावर से, उनकी स्किन ग्लास स्किन। अच्छा जी, तो ये स्किन वाइटनिंग में बहुत काम आएगी, पिगमेंटेशन को बहुत ख़त्म करेगी। अच्छा जी, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए। अब मैंने मेथी को और दलिया को एक साथ पीस लिया है, और पीसने के बाद इस तरह की पाउडर फॉर्म में मैंने पाउडर जो है वो तैयार कर लिया है। तो पहली चीज़ ये हो गई, और अब दूसरी चीज़ जो है ये मैं आपको दिखा दूँ, ये है उपटन, जो कि सैयद गनी का ज़ाफ़रानी उपटन है। और तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊँ वो है कॉफ़ी, जो कि मैंने आपको शुरू में सारा कुछ दिखाया, लेकिन मैं एक बार आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ। और अब लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो राइस फ्लावर, यानी कि चावलों का बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आटा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसको बनाना किस तरह। आपने एक शीशे का जार ले लेना, एयर टाइट जो जार होते हैं, जैसे कि मैंने लिया है। अच्छा जी, अब मैं इसमें 3 चम्मच जो है डाल रही हूँ मेथी और दलिया, जो कि मैंने एक साथ पीसा हुआ है। आपने बड़ी वाली चम्मच ले लेनी है और 3 चम्मचें आपने इसमें डाल लेनी है, और साथ में 3 चम्मच ही राइस फ्लावर के ऐड कर रही हूँ। ये पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगी, आपकी सनबर्न को ख़त्म करेगी, आपकी स्किन को क्लियर करेगा, स्किन में बहुत अच्छा ग्लो लाएगा। और अब मैं इसमें 3 चम्मच ही ऐड कर रही हूँ उपटन के। आप यकीन करें, आप लोग इसको वीक में अगर 2 से 3 बार करेंगे, मतलब आप लोगों की स्किन ग्लो नहीं मैं कहूँगी, चमकेगी आपकी स्किन, लिटरली चमकेगी। अच्छा जी, अब 1 चम्मच जो है हम इसमें कॉफ़ी डालेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमने 3-3 चम्मच डाली हैं, और कॉफ़ी जो है हमने 1 चम्मच डाली है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, मतलब बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में इसको तैयार कर लेना है। ये बहुत अच्छा एज अ स्क्रब भी यूज़ हो सकता है, एज अ फेस क्लिंजर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से आपका पाउडर जो है वो तैयार हो जाएगा, और इसकी खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी है। अच्छा जी, तो इससे आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे कि मैं, आप लोग बस यूज़ करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म होगी, आपके डार्क स्पॉट्स ख़त्म होंगे, आपकी स्किन क्लियर होगी, आपकी एक्नी काफ़ी कम होगी। जिनको बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्नी है वो इसको वीक में एक बार यूज़ कर लें। और अच्छा जी, अब इसको बनाना किस तरह है, हमने बनाना है इसको रोज़ वाटर के साथ, और रोज़ वाटर भी मैंने आपको घर पर बनाना सिखाया हुआ है, आप कोशिश यही करें कि आप वही बना लें। और मैंने इसमें रोज़ वाटर के साथ साथ ऐड किए हैं 2 अदद वाइटनिंग कैप्सूल, जो कि फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल है, हम मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं। और साथ मैंने पाउडर जो है वो इसमें ऐड किया है, और इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, एक बहुत ज़बरदस्त पेस्ट। अच्छा जी, अब आपने फेस को वॉश कर लेना है, और इसको अच्छी तरह से फेस पे अप्लाई करें, इवन लिप्स पे भी अप्लाई करें, क्योंकि लिप्स की भी बहुत अच्छी स्क्रबिंग होगी इससे। अच्छा जी, हमने इसको अप्लाई करना है, आप बेशक इसको 20-25 मिनट्स टू 30 मिनट्स तक लगा रहने दें, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो आपने रोज़ वाटर को अपने फेस पे स्प्रे कर करके, यानी कि अपने फेस को वेट कर करके मसाज करना है अच्छी तरह 5 मिनट्स, जिस तरह मैं अभी आप लोगों को करके दिखाती हूँ आगे।
और फिर आप लोगों ने फेस वॉश करना है। जैसे कि मैंने आपको इसके सारे फ़ायदे बताए हैं कि आपको कितने फ़ायदे, ये देखिए मेरा बिल्कुल ड्राई हो गया था, अब मैं पानी लगा के इसको थोड़ा सा वेट करी और अच्छी तरह 5 to 10 मिनट्स मसाज करें जहाँ आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं, मतलब आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि वो ऑटोमेटिकली निकलेंगे। मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसको अच्छी तरह से इससे क्लिनजिंग स्क्रबिंग करके मैं फ़ेस को वॉश कर रही हूँ। बिल्कुल आपने ठंडे पानी से अपने फ़ेस को अच्छी तरह वॉश कर लेना है और आपको ना स्टीम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखें मेरे नोज़ पे बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स होते हैं और ये इतने आराम से निकल रहे थे कि मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सही तरह दिखा नहीं सक रही। मैं आगे आपको दिखाती हूँ, सॉरी ये सब दिखाने के लिए लेकिन ये ज़रूरी था, इतने ज़्यादा वाइट हेड्स निकले कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब देखें, मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि इससे आपकी स्किन चमकेगी चमकेगी और आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है। इवन लिप्स भी देखें इतने अच्छे नीट एंड क्लीन आपके हो जाएंगे के बस। आई होप आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। हाँ जी, तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आप लोगों ने इसको वीक में 3 बार जो है ज़रूर यूज़ करना है, क्लियरली रिजल्ट्स आप लोगों को शो होंगे और आप लोगों ने मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करने हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग मेरी मज़ीद वीडियोज़ को देख सकें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और हमेशा की तरह दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।